Good morning everyone. Today I will explain the 7th chapter of class 6 English course book, and this is a poetry, and the name of this poetry is The Raven and the Fox. Okay, तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं सेवेंथ चैप्टर है, जो एक पोएट्री है जिसका नेम क्या है, द रेवन एंड द फॉक्स. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेवन, द रेवन. रेवन यहाँ पे किसे कहा गया है, क्रो को. एक नेम है जो किसका नेम है, क्रो का. ठीक है, जैसा कि पिक्चराइज किया हुआ है ना, एक क्रो और एक फॉक्स, तो उसी तरह से रेवन जो है यहाँ पे एक क्रो का नेम है और फॉक्स का भी नेम है. फॉक्स का क्या नेम है, रेनार्ड. जो सेकंड लाइन में आपके है रेनार्ड, वो किसका नेम है, फॉक्स का नेम है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी है एक क्रो की, जो क्या करता है, जो जो फॉक्स रहता है वो बहुत ही क्लेवर रहता है, और जब वो देखता है कि एक क्रो जो है वो बैठा हुआ है एक ब्रांच पे, एक ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ होता है, और उसके बिक में यानी उसके चोच में चीज रहता है, यानी खाने का एक टुकड़ा रहता है. तो जब वो ये देखता है तो वो उसके उसे बहुत ही लगता है कि किस तरह से उसे आइडिया लगाए, किस तरह से वो प्लान करता है कि वो क्या करे जिससे कि वो खाने का पीस जो है वो क्रो से वो छीन सके और वो आसानी से उसके पास आ सकता है. तो वो क्या करता है कि क्रो की जो है वो झूठी तारीफें स्टार्ट कर देता है और उसकी बहुत सारी तारीफ करता है. क्रो जो है वो अपनी तारीफ से खुश हो जाता है और वो जैसे ही अपना बिक जो है, चोच जो है वो खोलता है गाने के लिए, वैसे ही उसके जो उसने अपने चोच में अपने बिक में जो टुकड़ा रखा हुआ था खाने का, तो वो क्या होता है कि उसके मुंह से छूट करके नीचे आ जाता है और वो जो है वो पहले ही से फॉक्स जो है वो पहले से रखे हुआ था आइडिया. तो वो जैसे ही वो खाने का टुकड़ा नीचे आता है, फॉक्स जो है उसे खा लेता है और वहां से चला जाता है. ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएट्री. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम एंड रेनार्ड द फॉक्स looked up at him, for the raven had in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. अब यहाँ पे क्या बताए हैं, मिस्टर रेवन. मिस्टर रेवन कौन है, क्रो. वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम, पर्च्ड यानी बैठे हैं. कहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो कहाँ बैठे हैं रेवन यानी क्रो जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, एक ब्रांच पे, यानी कि एक ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है. अब बता रहे हैं कि और रेनार्ड यानी जो फॉक्स है वो उसकी तरफ देखता है. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिक, और क्या बता रहा है, वो क्यों देखता है, उसका भी रीजन है. वो फॉक्स की तरफ क्यों देख रहा है, सॉरी फॉक्स जो है वो क्रो की तरफ क्यों देखता है, उसके पीछे रीजन है. रीजन क्या है कि रेवन यानी जो क्रो है उसके बीक में उसने क्या दबाया हुआ है, बड़ा सा खाने का टुकड़ा. अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सिक. तो क्या बोल रहे हैं कि क्या उसके हाथ में, सॉरी उसके बीक में क्या है, मॉर्सल. मॉर्सल किसे कहते हैं, यानी खाने के टुकड़े को. ठीक है, अ बाइट ऑफ फूड. मॉर्सल किसे कहते हैं, बाइट ऑफ फूड, उसे कहते हैं खाने के टुकड़े को. तो उसने क्या देखा, वो किस तरह किस वजह से अट्रैक्ट होता है क्रो की तरफ फॉक्स, तो जब उसके मुंह में उसे क्या दिखाई देता है, खाने का टुकड़ा. और फॉक्स जो है वो बहुत देर से भूखा था और दूर दूर तक वो ढूंढ रहा था खाने को, और वो खाने का टुकड़ा उसके उसे कहाँ दिखाई दे देता है, क्रो के पास. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग.
the birds of this woods would call you king. Okay, तो यहाँ पे अब क्या किया उसने, उसे आइडिया लगाता है, सोचता है किस तरह से वो खाने का टुकड़ा ले लिया जाए. तो इस वजह से उसने क्या किया, फॉक्स ने उसकी झूठी तारीफ स्टार्ट कर दी और बहुत ही एडमायरिंग टोन में फॉक्स जो है वो रेवन की यानी क्रो की क्या करने लगता है, क्रो की तारीफ करने लगता है और बता रहे हैं कि आप कितने हैंडसम बर्ड हो, क्रो को कहता है. तो क्रो तो कभी भी हैंडसम नहीं होता है, बोलता है कि आप कितने हैंडसम हो और आपके फेदर यानी कि आपके पंख जो है कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं. और अगर आप जो है सिर्फ क्या है यानी आप बहुत ही हैंडसम हैं, आपके फेदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन और क्या बता रहा है, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप यानी थोड़ा सिर्फ गा देंगे तो जितने सारे जंगल के बर्ड हैं वो सारे क्या मान लेंगे आपको, किंग. ठीक है, यानी क्या बताया कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, अगर आप गाने लगेंगे तो क्या होगा, सभी जंगल के जितने बर्ड्स हैं वो सभी आपको अपना किंग बना लेंगे. ओके,